सिवान शहर के डीएवी मोड़ स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में आर्य समाज सिवान के पूर्व मंत्री सह सिवान के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय सतीश भाई के पुण्यतिथि हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आप सभी को बताते चले कि पत्रकार स्वर्गीय सतीश भाई के पुण्यतिथि पर लोगों को साड़ी तथा धोती और बर्तन का वितरण किया गया। आर्य समाज के सिवान के मंत्री संजीव कुमार ने बताया कि जिस तरह से हम सभी के वरिष्ठ पत्रकार एवं आर्य समाज के पूर्व मंत्री सतीश भाई जिस तरीके से निर्भीक निडर होकर अपनी जिम्मेदारी को निभाते थे, आज के समय में तमाम पत्रकार युवाओं को उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का काम करें ताकि जो गरीब बेसहाय और गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी आवाज़ों को बुलंद कर सके। और हमें याद है कि जब सतीश भाई पत्रकारिता करते थे उस समय उनके आवाज़ों को दबाने की लोगों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने निर्भीक निडर होकर समझदारी के साथ डटकर लोगों को आवाज़ को उठाते रहे। आइए हम आपको बताते हैं कि आज समाज के मंत्री संजीव कुमार ने एटीएन लाइव पर क्या कुछ बताया। एटीएन लाइव के लिए सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट। किस कार्यक्रम का आर्य समाज के द्वारा ये पूर्व मंत्री स्वर्गीय सतीश भाई पत्रकार जो आर्य समाज के मंत्री रहे हैं, सब वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, उनकी यह 12वीं पुण्यतिथि आर्य समाज मंदिर परिसर में हम लोग समारोह पूर्वक मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष यह आर्य समाज के तत्वावधान में मनाई जाती है। आज कुछ खास कार्यक्रम रखे हैं कि आर्य समाज के द्वारा गरीबों के बीच निःशुल्क रूप से वस्त्र वितरण करने हैं, धोती का वितरण करना है और बर्तन का वितरण करना है। यह आर्य समाज के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम इसी तरह में सब चलता रहेगा? बिल्कुल, इस कार्यक्रम को हम लोग गतिशीलता देते रहेंगे और प्रत्येक वर्ष आने वाले वर्ष में इस कार्यक्रम का विस्तार होता रहेगा। सिवान के लोगों से कहेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में निडरता से उन्होंने काम किया, सदैव सच को सब लोग के सामने रखा, उनके द्वारा अपना अपना विश्वास साप्ताहिक अखबार और आजकल का विश्वास, दो जो ये दैनिक पत्र थे, साप्ताहिक पत्र थे, इसका वो संपादक का काम करते थे, साथ ही आर्य समाज के मंत्री थे और बिहार राज्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्या लग रहा है कि आज के जो युवा पत्रकार हैं जिस तरह से सतीश भाई ने नहीं, यह चिंतनीय विषय है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, जिसे हम सभी लोग को चिंतन करके और उसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है हम लोग जब बचपन में थे और पत्रकारिता किया करते थे वो, तो बहुत तरह का उन पर दबाव आता था, लेकिन दबाव मुक्त होके और वो निडरता के साथ अपनी बात को रखते थे और उन सारे शब्दों को वो अपने कलमों के द्वारा उसको मुद्रित करवाते थे अखबारों में। क्या संदेश देंगे इनके रास्ते पर चलने के लिए युवा पत्रकारों को? यही देंगे कि आप उनका अनुसरण करते हुए निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ, बिना किसी लोभ के, और चूंकि आप सभी जानते हैं कि मीडिया को हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, एक व्यक्ति जो शोषित व्यक्ति है समाज का, अगर उसको कोई न्याय दिला सकता है तो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो मीडिया दिला सकता है। उसकी आवाज़ आगे तक कोई ले जा सकता है तो वो उसका जरिया मीडिया ही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और क्विक रिएक्ट करता है और इन गरीब जो दबे कुचले हैं, जिनकी कहीं बात नहीं सुनी जाती है, उनकी आप आवाज़ बन के और आगे तक ले जाने का काम करें, यही मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है। संजीव कुमार आर्य, मंत्री आर समाज सिवान।